दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जहां एक और कुछ लड़के जिस लड़की से प्यार करने लगते हैं उसी से शादी करने की भी इच्छा रखते हैं, वहीं दूसरी ओर काफ़ी लड़के ऐसे भी होते हैं जो किसी लड़की पर आकर्षित हो जाते हैं या उससे प्यार करने लगते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर सोचते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड हर तरीके से अच्छी हो। किंतु जब बात शादी करने की आती है तो उन्हें अपनी पत्नी में बहुत सारी खूबियां चाहिए होती हैं। ऐसे में लड़के कई एक सवालों से जूझ रहे होते हैं, जैसे उनकी पार्टनर कैसी होगी, उसमें ये खूबियां होनी चाहिए। ऐसी सोच केवल लड़कियों की ही नहीं बल्कि लड़कों की भी होती है। दोनों ही अपनी शादी को लेकर काफी उत्साहित भी रहते हैं, लेकिन प्यार से पहले या शादी से पहले सभी अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जानने की इच्छा भी रखते हैं या रखती हैं, ताकि उनका प्यार लंबे समय तक चल सके या वैवाहिक जीवन खुशियों से व्यतीत हो सके। चलो बताते हैं दोस्तों, वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। दोस्तों सभी लड़के चाहते हैं कि उनकी होने वाली पार्टनर परियों जैसी सुंदर होनी चाहिए, जो उन्हें बहुत प्यार करे, यहाँ तक कि वह हर एक तरीके से कोरी या अनछुई होनी चाहिए। इसके साथ साथ सब सुशील और समझदार भी होनी चाहिए, उसका चाल चलन बहुत अच्छा होना चाहिए, किसी भी मोड़ पर किसी भी कीमत पर किसी दूसरी ओर आकर्षित नहीं होनी चाहिए, ताकि उसके साथ खुशियों से जीवन व्यतीत किया जा सके। नंबर 1, दोस्तों जिन लड़कियों का नाम ए अक्षर या आ अक्षर से शुरू होता है उनका स्वभाव बेहद ही सरल और सुलझा हुआ होता है। ऐसी लड़कियां अपने कैरियर को लेकर बहुत ही सीरियस होती हैं, फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करती, रिश्तों को बहुत ही महत्व देती हैं और पार्टनर का वफादारी से साथ भी निभाती हैं। 2, जिन लड़कियों का नाम डा दा धा या डी अक्षर से शुरू होता है वे बेहद ही गंभीर होती हैं, इनमें धैर्य बहुत ज़्यादा होता है, त्याग की भावना भी काफ़ी होती है, अपने कैरियर और रिश्तों की जिम्मेदारियां भी निभाने वाली होती हैं और अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। 3, जिन लड़कियों के नाम की शुरुआत गा घा या जी अक्षर से होता है ऐसी लड़कियाँ बहुत ही मेहनती और कामकाजी होती हैं। अगर रिश्ते की बात करें तो आप इन पर आंख बंद करके विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़कियां जिस किसी से एक बार जुड़ जाती हैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। 4, दोस्तों जिन लड़कियों का नाम हा या एच अक्षर से शुरू होता है इन्हें सच्चे प्यार की हमेशा तलाश रहती है और सच्चे प्यार पर विश्वास भी होता है। ये लड़कियां अपने पार्टनर को कभी दुखी नहीं देख सकती, नहीं दुखी कर सकती हैं, साथ साथ काफ़ी रोमांटिक और खुशमिजाज भी होती हैं, न तो गलत काम करती हैं न ही गलत काम को बर्दाश्त करती हैं। धोखे जैसी चीज़ से इन्हें बहुत चिढ़ होती है, न तो धोखा देती हैं न सह पाती हैं। 5, जिन लड़कियों के नाम की शुरुआत एम या माँ अक्षर से होती है ये लड़कियां बहुत जल्दी प्यार में नहीं पड़ती, अगर एक बार प्यार में पड़ गईं तो ये अपने कदम पीछे नहीं खींचती, इसलिए प्यार में पड़ने से पहले सोच समझकर कोई भी कदम उठाती हैं, इसके बाद हर हद तक प्यार को निभाती भी हैं। 6, जिन लड़कियों के नाम की शुरुआत पा फा या पी अक्षर से होती है ऐसी लड़कियां जिस किसी से प्यार करती हैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, हर हद तक साथ देती हैं, हर हद तक प्यार करती हैं, ये सभी का सहयोग और सपोर्ट करने वाली होती हैं। 7, जिन लड़कियों के नाम की शुरुआत एस या सा अक्षर से होती है यह काफ़ी सुलझी हुई
अपने पार्टनर की हर बात मानने वाली। इनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी होता है, लेकिन ये पूरी तरह से वफादार होती हैं। मन के साथ साथ दिल की भी साफ होती हैं। दोस्तों, टिप्पणी तो हर जगह की जा सकती है, क्योंकि सभी चीज़ें सभी पर एक जैसी लागू नहीं होती। क्योंकि उसी नाम के कुछ लोग अरबपति होते हैं तो उसी नाम के कुछ लोग भिखारी भी होते हैं। मुझे लगता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।